शुरुआत होती है धनतेरस से और ये 5 दिनों तक तो ये त्योहार चलना है। और मैं जो हूँ मंदिर की सफाई करती हूँ और सजाती हूँ छोटी दीपावली वाले दिन, लेकिन धनतेरस वाले दिन इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मंदिर में जैसे दीपक जलते हैं और धूप बत्ती जलती है उससे ये काला हो जाता है। इसको मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो आपसे एक पूरे वीडियो में मैंने शेयर किया है। और मंदिर सजाने के बाद मैंने दिवाली की पूजा की चौकी भी सजा दी है, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स और एक पिछवाई लगाई है। बहुत ही सुंदर पिछवाई मथुरा में मिलती हैं और उन्हें मैं हमेशा लेती हूँ। ये ठाकुर जी के पीछे लगाने के काम में आती हैं, मंदिर को डेकोरेट करने के काम में आती हैं, और अगर आप ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएं। और आज मैं धनतेरस की सारी तैयारी कर रही हूँ, तो रात के टाइम मैंने ये एक दीपक बनाया है। इस दीपक में 4 बत्तियाँ लगती हैं, यम दीपक इसे बोलते हैं, आटे का बनता है, ये मैंने बना लिया। और जो 13 दीपक जलते हैं उनकी भी मैंने तैयारी कर ली है। अब ये दीपक मैं लेके जा रही हूँ और इन्हें 13 जगह पर रखना होता है। देखो पीले दीपक जो येलो कलर से देखो मैंने पेंट किए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मेरी धनतेरस की पूजा हो गई है, यहाँ बैठा रखे हैं मैंने गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान और धनवंतरी महाराज, और उन सबकी मैंने पूजा कर ली है। यम दीपक मैंने जला दिया है और अब ये 13 दीपक मैं जलाने जा रही हूँ। वाले दिन करण का जन्मदिन था, तो उसने मेरे से ना रिक्वेस्ट करके बहुत ज्यादा छोले भटूरे बनवाए। उसे मेरे हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैंने धनतेरस वाले दिन सारा काम तो किया ही और ये सारी चीजें भी बनाई। आज तो छोले भटूरे बनने ही हैं, तो हमने कहा ठीक है हम बना देंगे। अब खूब फूले फूले देखो कितने बढ़िया छोले भटूरे बन रहे हैं, बढ़िया। आओ शानो तुम भी खा लो खाना बेटा। अब सारे जितने भी भगवान जी हैं सबको मैं स्नान करा रही हूँ, और देखिए सबको मैं बिठा रही हूँ यहाँ पे स्नान करा के, और सबको आज मैंने अभियंग पाउडर से ही स्नान कराया है। अभियंग का डिब्बा यहीं रखा था, ख़त्म हो गई मेरी वो अभियंग की डब्बी। मंदिर का जो पीछे ओम लगा रहता है ना ये निकल जाता है, इसे लगा सकते हैं, तो ये निकाल लिया है, फिर इसे लगाऊंगी। देखिए धनतेरस पे ना नमक हुआ और साबुत धनिया और खील बताशे रेवड़ी झाड़ू ये सब आता है, और लक्ष्मी गणेश भी है मेरे यहाँ पे, भगवान अभी दिखाती हूँ। और जैसे स्वास्तिक हुए, लक्ष्मी जी के चरण हुए, शुभ लाभ हुए, वो सब मैंने देखिए इसके अंदर रख रखे हैं यहीं पे। और आपको वो दिखा दूंगी मैंने बर्तन कौन से लिए हैं वो भी बता देती हूँ। एक मैंने लिया है ये कॉपर का, एक मटका टाइप है, नीचे इसमें नल लगा हुआ है देखिए। ये है एक दीपक, तो इस तरह से ये सारी पूजा की तैयारी मैंने कर लिए। देखिए अब जो भी बचा हुआ होगा वो कल रखा जाएगा। इसके अंदर है मेरे मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, उसके नहीं है, पीओपी वगैरह के नहीं है। तो ये हो गई है मेरी पूरी पूजा की तैयारी।
मंदिर के डोर हमेशा खुले हुए रहते हैं और उसमें है एक स्वास्तिक का निशान जो कि डोर खुले होने पर ना उल्टा दिखाई देता है। उसे कवर करने के लिए मैंने जो है ये एक पिछवाई थी मेरे पास, ये मैंने दोनों दरवाजों पे लगा दी हैं और कुछ नई बंधनवार मैं लेकर आई थी। और वैसे तो दिवाली वाले दिन अशोक के पत्ते की बंधनवार तो लगती ही है। छोटी दीपावली वाले दिन पूरे मंदिर की सफाई करी है, डेकोरेट किया है मैंने और सारी चीजें जो है चमका के सही कर दी हैं। और भगवान जी जो होते हैं उनके वस्त्र वगैरह लड्डू गोपाल और राधा रानी के तो रोज ही स्नान होते हैं और माँ भगवती का तो हर संडे को मैं स्नान कराती हूँ। तो बस इतना ही छोटी दिवाली वाले दिन मैं कर पाती हूँ। और भी जैसे अगर आप ज्यादा बढ़ाकर करते हैं तो वो सब आपकी अपनी श्रद्धा होती है। तो इस तरह से मेरा ये एक छोटा सा मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से सज गया। मुझे जितना भी डेकोरेशन का काम करना होता है वो सब मैं धनतेरस से पहले करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुशन कवर्स वगैरह रह गए थे जिनको मुझे चेंज करना था, तो ये सारा काम तो छोटी दीपावली वाले दिन ही हुआ। घर के अंदर दीपक वगैरह नहीं जलाती हूँ, केवल मंदिर के पास का एरिया है वहाँ पे रखती हूँ। लगता है कि दीवार काली ना हो जाए, अखंड ज्योत वगैरह जलती रहती है। हाँ, कहीं डेकोरेशन के लिए बीच में हल्के फुल्के से जला देती हूँ। और अब हो गई है ये दीपावली की सुबह। हर दिन की तरह दीपावली वाले दिन की भी शुरुआत अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के स्नान से ही होती है। तो क्योंकि जब हम इनकी पूजा करेंगे तो दिन तो अच्छा जाना ही है, तो मैंने इन दोनों को स्नान करा दिया और नए बिल्कुल साफ सुथरे मंदिर में बिठा दिया। त्योहारों का और किचन का बिल्कुल आपस में ना गठजोड़ है, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, उन्हें डेकोरेशन से मतलब नहीं होता, उन्हें चाहिए बढ़िया खाना। और दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में जल्दी उठकर मैंने खाना इसलिए बनाया क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ देवताओं की पूजा होती है, जिसके लिए बिल्कुल शुद्ध बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। और ये खाना पक्का खाना होता है, मतलब इसमें पूरी कचौड़ी और कुछ मीठा और मतलब सब्जियाँ जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से बनती हैं। तो मैंने भी 2-3 सब्जियाँ बनाई, खीर बनाई और थोड़ा सा कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बनाई। और सबसे मतलब इन सब चीज़ों की तैयारी करने की अब आदत पड़ चुकी है, मतलब पता रहता है कि काम कैसे करना है तो ये काम फटाफट हो जाता है। कुछ चीज़ें जो है आपका अनुभव आपको सिखा देता है। तो ये मेरा अब बढ़िया खाना तैयार हो रहा है। और जब खाना बन रहा था उसी टाइम पे मैंने अपनी पूजा की बत्तियों की तैयारी कर ली, क्योंकि ये काफी बड़ा काम होता है। कुछ बत्तियां तो मैंने पहले बना के रख रखी थी, कुछ अब बना ली और भोग प्रसाद सबकी तैयारी कर ली। पूजा की मैंने सारी तैयारी कर दी है क्योंकि गांव जाना है अभी पूजा के बाद, तो वहां से आने के बाद ना टाइम नहीं मिलता है। और अब मैं ना इसे करने के बाद बनाऊंगी अपनी कचौड़ी और आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखो शानू क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है पता है, ब्रेड सेक रहा है अपनी। देखो अपने लिए थोड़ा सेक रहा हूं। अपने लिए ही सेक रहा है, तू झूठ मत बोले। और ये देखो ये यही करता है, ये नहीं कि त्योहार है तो भैया रुक जाए, सारा खाना इतना सारा बन रहा है, देखो दुनिया भर की चीजें बन रही है उधर तक, लेकिन इसको क्या करना है, इसको अपनी ब्रेड सेकनी है। लो मेरा सारा खाना बन गया है, दिखाती हूँ आपको। देखो करण इधर दिखाना, ये बन गई है खीर और इधर ये बन गई है देखिए काशी फल की सब्जी और ये बन गई है पनीर की सब्जी और ये है आलू मटर, ये है कचौड़ियाँ, इसमें बना के रख दी है मैंने पूड़ी। और ये मेरे ठाकुर जी की थाली सज गई, देखिए सारा खाना मैंने उनके लिए लगा दिया है। तो सबसे पहला भोग उन्हीं को लगेगा, फिर हम आगे भोग लगाएंगे। तो ले शानू लगा दे करण।
ये गांव है हमारा, मथुरा शहर के पास ही है, और त्योहारों पर यहाँ पर आते हैं। वैसे तो पहले यहाँ पर हमेशा आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब केवल त्योहारों पर ही आते हैं, अब यहाँ पे रहना तो होता नहीं है। ये हमारे घर के बड़े देवताओं की यहाँ पे थान है, हम इस और इधर मेरे ससुर साहब का थान है। तो यहाँ पे बस यह है कि त्यौहार पे कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उनको प्रणाम करना ज़रूरी होता है। और गांव में ना घूंघट होता है, घूंघट करके रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ अभी खेतों में कोई नहीं है तो ऐसे आ गए हैं। और अब तो मैं सूट में आने लगी हूँ, पहले तो गांव में ना साड़ियों में ही आते थे, मतलब साड़ी पहनना ज़रूरी था, चाहे जरा सी देर के लिए भी आए तो साड़ी पहननी रहती थी। अच्छा लगता है, कभी देर तक के लिए आऊँगी तो पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो यहाँ पर रहती थी मेरी एक रिश्ते की जिठानी, वहाँ पर हम आया करते थे, लेकिन अब नहीं हो पाता। और जो गाँव में है घर है हमारा, वो अभी भी है, कमरे उसमें रूम वगैरह बने हुए हैं, लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि आते जाते नहीं है, बंद रहता है वो, तो वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहती है। वैसे होना तो ये चाहिए कि घर जब साफ़ किए हैं तो गांव का घर भी साफ़ करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अगली बार से देखेंगे। गांव से आने में 2 बज गए थे और फटाफट सबको खाना खिलाया, पूजा करी, जो देवताओं की पूजा होती है, और उसके बाद घर की सफाई करी। वैसे तो मॉर्निंग में सफाई हुई थी, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी आगमन के लिए थोड़ा घर साफ करना रहता है, कुछ सजाना रहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर में सजाती हूँ उनको पहले से नहीं मैं डेकोरेट करती हूँ क्योंकि गंदी हो जाती हैं। इसीलिए जो सेम डे होता है ना, मतलब दीपावली वाला दिन, उसी दिन मैं ये सारी तैयारी करती हूँ। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है बंधनवार और रंगोली बनाना। तो बंधनवार अशोक के पत्ते की भी लगी है, खूब बढ़िया बंधनवार लगी सारे दरवाजों पर। और इसी तरीके से ये देखिए बंधनवार मैंने मार्केट से ली थी, इसको भी मैंने लगा दिया। एक बंधनवार मेरे डोर पे, एंट्री डोर पे हमेशा ही लगी रहती है, ये कभी भी नहीं उतरती है, तो मैं थोड़ी सी मैचिंग लेकर आती हूँ। और ये अशोक के पत्ते की भी बंधनवार बिल्कुल सज गई। बंधनवार के बाद अब बारी आएगी रंगोली की। तो रंगोली का मेरे पास काफी सारा सामान रहता है, इस बार रंगोली के कलर्स लेकर नहीं आई, लेकिन ये कुछ मैंने मतलब ले लिए थी स्टेंसिल्स वगैरह रंगोली के लिए, उन्हीं से ही मैंने रंगोली बनाई। ये एक 3D रंगोली का पैटर्न है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, इससे रंगोली बहुत ही सुंदर बनी। हाँ, कलर थोड़े मेरे पास कम थे जो कि लास्ट ईयर के थे, तो उन्हीं में ही मैंने थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके रंगोली बनाई। बेहद खूबसूरत है, बहुत आसान है, रीयूज हो सकती है, और बिल्कुल इसी तरीके से लक्ष्मी जी के चरण मैंने बना दिए हैं जिनकी रात को पूजा होगी, और इस तरह से लक्ष्मी जी के चरण के पास भी थोड़ी सी रंगोली बनाई। वैसे तो रंगोली काफ़ी मैं बना लेती हूँ, और फिर तो वही फाइनली हमें करनी थी पूजा, और फिर मेरी पूजा की तैयारी हुई और सबने मिलकर पूजा करी। त्योहारों पर जितना भी काम होता है वो एक अकेला ज्यादातर मतलब फीमेल का ही हो जाता है, क्योंकि घर पे उन्हीं का होल्ड रहता है। पहली बार अमर ने सारे दीपक जलाए। शुभ दीपावली आप सबको। दिवाली एक दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दीपों का उत्सव। दीपों को जलाने की अपनी एक परंपरा है। वैसे तो कैंडल्स वगैरह भी जलाती हूँ मैं, बिजली की रोशनी भी करती हूँ, लेकिन 151 दीपक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जलाऊं। तो मैंने वो पूरे दीपक गिनती से जलाए हैं। दीपक तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो सब अलग अलग दिन जल रहे हैं। दीपावली वाले दिन कोरे दीपक जलते हैं, बड़ी कैंडल्स लेकर आती हूँ ताकि ये देर तक जलें। और नीचे के एरिया में मैंने कोई भी लाइट की रोशनी नहीं करी, केवल दीपक से, रंगोली से, और लक्ष्मी जी के चरणों से, और इन्हीं सारी चीज़ों से मैंने नीचे का अपना एरिया
पूरा डेकोरेट किया। ऊपर इतनी बिजली लगी हुई थी, लेकिन लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन इतनी सुंदर वो नहीं लगी जितना नीचे का एरिया जहाँ दीपक और रंगोली थी वो लगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, चाहे कितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हम चले जाएं, लेकिन मन को खुशी उन्हीं चीज़ों से मिलती है जो हमारी परंपराएं होती हैं। आज शानू की थोड़ी सी तबीयत अचानक से रात को खराब हो गई और देखिए रंगोली कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। पिएंगे और खूब त्योहार को, फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। देखिए खूब अच्छी रोशनी हो रही है ना, वो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली की तैयारी तो पता नहीं कितने दिनों से चल रही थी, लेकिन दिवाली वाले दिन का भी पता नहीं चला कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। अब हम बैठ रहे हैं और खूब मिठाई खा रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। इस बार दिवाली पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दोस्तों ये हो गया दिवाली का वीडियो, शुभ दीपावली। इस तरह से आप भी हर साल बढ़िया तरह से दिवाली मनाते रहें और हम लोग आपस में इसी तरीके से जुड़े रहें, बात करते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, and bye-bye.